आप करीब 20,000 किलोमीटर आप पैदल चले हैं, तो जब से आपने की सवारी का वाहन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो आपने क्या फर्क पाया दोनों में? देखिए, पदयात्रा बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ने का, और प्राचीन समय में जैन परंपरा में पद यात्रा ही एकमात्र विकल्प रहा है, और उस समय की जीवनचर्या के अनुसार हम एकदम गांवों में जाते थे, गांव के लोगों से संपर्क करते थे, गांव से ही जो है रोटी वगैरह ग्रहण करते थे, और इस तरह से एकदम हम बिल्कुल गांवों के अंदर लोगों से जुड़ते थे। कालांतर में पदयात्रा तो आज भी विद्यमान है, लेकिन अधिकांश पदयात्रा सड़कों को नापने वाली हो गई, सड़क के किनारे ठहरते हैं, अगले दिन आगे चल देते हैं, तो जो लोगों से जुड़ा वो कम होता गया। ऐसे में मैं 22 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुआ, लगभग 22 वर्ष तक मैं करीब 21,000 किलोमीटर पैदल चला, किंतु अनुभव के साथ मुझे ये भी महसूस हुआ कि एक वो रास्ता है जिसमें ऊर्जा बहुत खर्च है, रिजल्ट कम है। आज की जीवन शैली में जो पादयात्रा रह गया उसकी बात कह रहा हूँ, और एक वो रास्ता है जिस रास्ते के अंदर ऊर्जा कम खर्च है, रिजल्ट अधिक है। तो कालांतर में मैंने वाहन विहार को स्वीकार किया, और इस वाहन विहार को जैन परंपरा से सबसे पहले मैं स्मरण करना चाहूँगा पूरे आदर और सम्मान से, पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने आज से 40 वर्ष पूर्व ये क्रम शुरू किया था, और उसके बाद में काफ़ी जो है साधु साध भी बाहर जाने लगे, और यही कारण है कि आज बाहर के देशों में जैन धर्म सुरक्षित रह गया, बल्कि वहाँ और अधिक संगठित हैं। तो बदलाव की दृष्टि से आज की नई जनरेशन जो है बल्कि इस व्यवस्था को ज़्यादा पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, और आज की दुनिया में इस वैज्ञानिक युग में उसको ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल मान रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बात हुई कि नई युग की बात हो रही है, नई पीढ़ी की बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स हैं आजकल इतनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं पूजा पाठ को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाते, अपनी संस्कृति को टाइम नहीं दे पाते, जो इधर उधर की चीज़ों में लगे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, युवा पीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि शरीर में जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, मैं समझता हूँ समाज में वही स्थान युवाओं का है। अगर शरीर में मेरुदंड अगर बीमार हो जाए तो पूरे शरीर को लड़खड़ाते देर नहीं लगती है। उसी तरह से युवा पीढ़ी अगर जो है वो रास्ते से अगर भटक जाए तो वह समाज और देश जो है कमजोर होते देर नहीं लगती है। मैं अनेक बार कहता हूँ कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के नैतिक और चारित्रिक बल पर निर्भर करती है। आज अपेक्षा है इस संचार क्रांति के युग में, प्राचीन समय में किसी गांव शहर में एकाधा सिनेमा हॉल होता था, आज तो हर घर का हर बेडरूम जो है सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय के अंदर हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना और अपने उन महान नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को जीवंत रखना, उसके लिए हमें बराबर समय पर जो है नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जो है संस्कारित करना। और जहाँ तक आपने कहा कि उनके पास पूजा पाठ का समय, दरअसल कठिनाई युवा पीढ़ी की नहीं है, कठिनाई हम धर्मगुरुओं की है। अपेक्षा है कि हम धर्म का वो प्रायोगिक, वह तेजस्वी, वो ओजस्वी स्वरूप युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। लोग कहने को कह देते हैं युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर प्रायोगिक धर्म है आज भी युवा पीढ़ी बल्कि धर्म के ज़्यादा नज़दीक है, बशर्ते उनके सामने साइंटिफिक और प्रायोगिक धर्म प्रस्तुत किया जाए। धर्म के तीन आयाम होते हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। आज की युग की कठिनाई क्या है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। ये मैं मानता हूँ कि केवल उपासना में युवाओं का अधिक आकर्षण नहीं है, किंतु जहाँ पर धर्म का तेजस्वी स्वरूप है, जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे, ऐसे धर्म के आज भी युवा पीढ़ी नजदीक।